उसके साथ वक्त बिताना जरूरी था। वो कैसे बिलीव करती कि मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूँ? थाओ। वाओ, बड़ा इंप्रेस हो गए आप। या अल्लाह, लिपस्टिक के निशान कैसे आए? अल्लाह मिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? आप यहाँ उसे अपने जाल में फंसाने आए थे या उसके जाल में फंसने आए थे, बताइए? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये निशान कैसे आए लिपस्टिक के? क्योंकि उसे हक किया था मैंने। क्या हक कर लिया उसे, उस कमीनी चुड़ैल को? और आप क्या 4 साल के बच्चे कि किसी ने खींचा और आप खींचे चले गए? क्यों हक किया उसे, क्यों हक किया? आप मुझसे पूछ रही हैं, ये प्लान आप ही का था और मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये प्लान बकवास प्लान है, पर आप अपनी जिद पे अड़ी थी। क्या कहा था आपने? तनवीर को यकीन दिलाने के लिए कि हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो रही है, ये सब करना जरूरी है। तो अब ये प्लान कामयाब हो रहा है तो आपको परेशानी हो रही है? मिसेस खान, अभी भी वक्त है, अगर आप चाहो तो मैं ये सब रोक सकता हूँ, कुछ और तरीके अपना सकते हैं। नहीं नहीं मिस्टर खान, आप यही प्लान कंटिन्यू कीजिए, और अगर थोड़ा दूर से कंटिन्यू कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। निकट, इतना कुछ हो गया बेटा, आपने मुझे बताया भी नहीं। अम्मी, अब मैं वो पहले वाली निकट नहीं हूं जो बात बात पे डर जाया करती थी। अब मैंने जिंदगी से लड़ना सीख लिया है, अपने आप के लिए खड़ा होना सीख लिया है, और शायद मैं ये सब अकेले ना कर पाती अगर वो मेरा साथ ना देती तो। बाजी, वो एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास गई थी अपने चेकअप के लिए। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अम्मी ने दवाइयाँ खाई कि नहीं। हाँ, उन्होंने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं, वो आराम कर रही हैं। आप परेशान मत होइए। जी, थैंक यू। नजमा जी, इधर आएंगी? यहाँ मेरे पास बैठी। भाजी, असद भाईजान और जोया के बीच में तो टकरार चल रही थी ना, लगता है इनकी लड़ाई खत्म हो गई है ना? मुझे भी यही लगता है। कितनी क्यूटली बात कर रहे हैं ना। प्लीज, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं बस आपसे ये कहने आई थी कि मैं रूम शिफ्ट कर रही हूँ। दूसरे कमरे में क्या, मेरी बला से आप दूसरे मुल्क में भी शिफ्ट हो जाओ ना, आई डोंट केयर। गुड फॉर यू ओनली। अरे, अब तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया? देखा कैसे पेश आ रही थी मेरे साथ। उसे छोड़े ना जामिन, भूल जाइए सब कुछ। सही कह रही हो तुम, मुझे सोया को ये सारी परेशानी, ये सारी तकलीफ को भूल जाना चाहिए। तनु, बहुत घुटन महसूस हो रही है यहाँ, चलो यहाँ से। भाईजान और तनवीर, हाजी मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। मैं भाईजान से बात करके आती हूँ, सब क्या चल रहा है? एक मिनट, अब दोनों प्लीज परेशान मत होइए, ये सब हमारे प्लान का पार्ट है। मैं
क्या बात है जैमी, हमें लग रहा है कि अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो, है ना? कंपनी का असर है। कॉफी पियो ना। अभी बहुत गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर पीते हैं। तब तक हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी परेशानियों को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है? तुम बैठो, बस तुम बैठे रहो आराम से जैमी। जैमी एक बात कहें, इंसान जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है, हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, और एक गलती तुमने भी की है। कौन सी? जोया, अब देखो ना जैमी, तुम एक तहजीब याफ्ता खानदानी इंसान हो जिसकी जिंदगी में जोया ऐसे थी जैसे जैसे रेशम में टाट का पैबंद। जैमी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? गलतियां इंसान से ही होती है, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि लोगों को पहचानने में, उन्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है। अगर अब लोगों को अच्छी तरह जानने लगा हो, उन्हें समझने लगा हो, anyway, हाँ, तुम इधर आओ बैठो और मेरे हाथ की बनी कॉफी पियो। पियेंगे, पियेंगे, जरूर पियेंगे। अब तुमने इतने प्यार से अपने हाथों से कॉफी बनाई है तो जरूर पियेंगे। और वैसे भी जैमी, तुम्हारे हाथों की बनी हुई कॉफी तो क्या, हम तो जहर भी पी लेंगे। कॉफी थी जैमी, थैंक यू सो मच जैमी, थैंक यू। यू वेलकम। कैसा लग रहा है? कैसा लगना चाहिए? आई मीन अच्छा लगना चाहिए। आई मीन जब तो पुराने दोस्त मिलते हैं तो बातों बातों में कई राज खुलते हैं, जिंदगी की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अरे हाँ जैमी, हमें भी तुम्हें बहुत सारे सच बताने हैं, वो भी ऐसे सच जैमी जिसे सुन के ना सबके सबके होश उड़ जाएंगे। सच कह रहे हैं। कौन से सच? मिस्टर असद अहमद खान। हम तुम्हारे साथ निकाह करना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।